शिव धनुष प्रभु भंग करके, शिव धनुष प्रभु भंग करके ले आए सीता बन के। हो अभी अभी यहां से ले आए, अभी तो आए ही नहीं मैदान में, मैदान में लाना है अभी दोनों को। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, और रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले प्रेम भरी वाणी, कहानी सुनो रे इधर भगवान की कृपा होती है, इधर पृथ्वी भी पुकारती है, प्रभु मेरी रक्षा करो, अत्याचार यहाँ पर हो रहा है धरती पर, आप मेरी रक्षा करने के लिए धरती पर आइए। भक्त लोग पुकार रहे हैं भगवान को, प्रभु आइए, प्रभु आइए। और रामचंद्र भगवान जो है यहाँ पर पधारते हैं शिशु रूप में। कौशल्या जी के भवन से खबर आती है, क्या हुआ? लाला हुआ है लाला। इधर केके के भवन से भी खबर आती है, क्या हुआ है? लाला हुआ है लाला। और सुमित्रा जी के भवन से खबर आती है, एक नहीं दो दो हुए हैं। अब कितने हो गए टोटल? चार। कहां तो एक ही नहीं था, रो कितने हो गए? चार चार यहां पर आ गए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला हर्षित में तारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी भूषण बनी माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी कौ दोई कर जोरी प्रस्तुति तोरी, केई विधि करू अनंता माया गुण ज्ञाना नीति अमाना, वेद ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषो बासी उपहासी, सुनत धीर मत धीर रहे उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे, कई कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम रहे, माता रोदन ठाना होई बालक भर पूपा, ये चरित सुगावई हरि पद पावई तेन परई मऊ कूपा, विप्र देनु सुर संत हिते लीन मनुज अविता, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी अपने भाइयों के साथ नामकरण संस्कार हुआ, बधाई गांव के एक राम जी की, राम जी की। देखिए भागवत जी के अंदर भगवान तो भगवान ही होते हैं, लेकिन भागवत जी के अंदर राम कथा केवल संक्षिप्त रूप में डेढ़ पन्नों में है,
इसलिए हम लोग राम जी की कम और कन्हैया की ज्यादा कथा वहां पर होती है, क्योंकि कन्हैया की कथा उसमें ज्यादा है। और आप चाहे तो एक राम जी की बधाई आप सुन लीजिए। दशरथ जी के अंगना में और बट रही आज बधाई, अरे दशरथ जी के अंगना में और बट रही आज बधाई। हाँ बट रही, नहीं बट रही क्या? आप कहो ना। हमारे भैया चंदू भैया, इधर राजेश भैया, बधाई तो दे दो इनको एक एक कुछ कुछ, एक थैली खोल के। और दशरथ जी के अंगना में और बट रही आज बधाई, और दशरथ जी के अंगना में और बट रही आज बधाई। नंगाड़ा 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 जोर
खड़ा नहीं होना चाहे तो बैठे बैठे भी आनंद ले सकता है। बैठे बैठे तरीका, दोनों हाथ दोनों करो करो ना यूं ऊपर ये हाँ एक दो तीन चार जितना ज्यादा हो ना उतना फीका होता चला जाता है। इसलिए क्योंकि हलवा को पूरा थाड़ दे दो ना तो फिर वो आनंद नहीं है, और थोड़ा सा एक कटोरी छोटी सी कटोरी में तो फिर याद रहता है कि थोड़ा सा और मिल जाता। एक रसगुल्ला ही बहुत है बस यहाँ पर। आगे नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, जल्दी जल्दी राम का काम करते हैं आगे, क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा भी अब हमको। कितने बजे कराएं कृष्ण जन्म जल्दी से बताओ, उस हिसाब से हमको कथा भी बनानी पड़ेगी। कितने बजे तक रुकोगे जल्दी बताओ, जल्दी सब कह रहे 6 बजे तक, चलो ठीक है। नामकरण संस्कार जो आनंद सिंधु सुगरासी सीकर ते त्रिलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो सबको आनंद देने वाले हैं उनका नाम रखा परम आनंद वाले परमानंद, उनका नाम है राम सबसे बड़े। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, उससे पहले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत रस होई। देखिए ये चौपाई साधारण चौपाइयां मत समझिए, ये वेदों की ऋचाओं से निकले हुए मंत्र है, और एक एक मंत्र सिद्ध यदि आप कर लो तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। जिसके घर में परेशानी हो, पालन पोषण की समस्या हो, तो इस चौपाई का जाप आप कीजिए नित्य प्रति, विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत ऐसो हो। निश्चित रूप से आपके घर की समस्याएं वो दूर हो जाए। और जिसके संतान नहीं है, हमने कहा था ना जब संतान वाला समय आएगा तब आपको बताएंगे कि कब संतान वाला समय। जिसके संतान नहीं है उसके लिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम बंदे जगत गुरु, इस मंत्र का जाप कीजिए। और तरीका आपको बता दूं, और तरीका बताऊं क्या? क्यों है ना, फिर जिनके नहीं है उनके लिए बताएं। मनोकामना के लिए एक तरीका बता देता हूँ आपको। आपको परखना है कि भागवत जी साक्षात कल्प वृक्ष है, परखना है कि ये देवता आपकी बात सिद्ध करते हैं या नहीं करते, तो मैं आपको परखने के लिए समय देता हूँ और तरीका बताता हूँ। परख कर देख लीजिए, मन से यदि आप ध्याओगे और मन से चाहोगे तो आपकी बात अवश्य पूरी होगी। एक नारियल लेना, एक नारियल उस पर यथाशक्ति दक्षिणा लगाना, उसको लच्छे से लपेट कर सबसे पहले अपने घर के देवता जहाँ पर बिठा रखे आपने भगवान की ताक देवता कुल देवता पितृ देवता उनके पास जाकर अपने मन की बात कहना हाथ में नारियल रखकर। फिर
फिर आप रास्ते में कोई मंदिर मिले, ऐसा स्थान मिले, वहाँ प्रार्थना करते आना और यहाँ आना, यहाँ मंदिर में या जो स्थान है प्रार्थना करना, फिर यहाँ भागवत जी की शरण में आना, माता रानी की शरण में आना, प्रार्थना करना और उस नारियल को यहाँ रखकर अपने मन की बात कहना। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मन से यदि आप काम करोगे तो आपके घर के देवता, ये आपके स्थान के देवता और यहाँ पर भागवत जी, ये सब मिलकर आपके काम को अवश्य पूरा करेंगे। करके देख लेना। ऐसा हमने कई जगह पर देखा है, इसलिए आपसे कह देते हैं, यदि भला होना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तीसरा नाम लक्ष्मण, जो जगत के आधार है उनका नाम लगा लक्ष्मण, और चौथा नाम यहाँ पर लगा शत्रुघ्न, जिनसे शत्रु घबराते हैं, शत्रु घबराते हैं, शत्रु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम हो गए। थोड़े बड़े हुए और विश्वामित्र जी मांगने के लिए आगे जंगल में जो है राक्षस परेशान करते हैं, तो यहाँ पर मांगने आए। यहाँ पर दशरथ जी ने मना कर दिया, सब सुतुम है प्राणन की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सु मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम जी मुझे अत्यधिक प्रिय है, और राम जी हमें देते हुए नहीं बनते, राम जी हमें देते हुए नहीं बनते। विनती की और विनती की यहाँ पर वशिष्ठ जी बोले, दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझिए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा कि दे दो, वशिष्ठ जी ने समझा दिया, क्या बहुविधि, बहु लाने की विधि को समझा दिया, बहुविधि अर्थ समझिए। वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि दो दोगे तो चार आएंगे, चार दोगे तो आठ लौट कर आएंगे, आप दे दो। और यहाँ पर राम लक्ष्मण को दे दिया, आगे राक्षसों का नाश किया। सबसे पहले किसको? ताड़ का, और फिर आगे राक्षसों का नाश हो गया फटाफट। मारिच को छोड़ दिया सोयोजन के पास, भेज दिया क्योंकि आगे लीला करनी है, और सुबाहु को अग्निबाण मार दिया, आगे चले और कहां पहुंच गए? अनेकों स्थानों को पार करते करते गंगा तट, वहां पर पहुंच गए सुरसरी के पास। वहां पहुंचे, उससे पहले एक स्थान नजर आया कहते हैं, और भगवान ने उद्धार किया किसका? अहिल्या का। एक बात आपसे पूछना भूल गए, हम श्रवण कुमार की बात आई थी जब, कि श्रवण कुमार का ननियाल कहाँ था? क्या लगते थे दशरथ जी श्रवण कुमार के? हाँ, इसीलिए मामा भांजा का प्रेम ज्यादा लंबा नहीं चलता, ये बताया जाता है, एक साथ नहीं भेजते मामा भांजा को, इसीलिए अब कहाँ पहुंच, अहिल्या का उद्धार किया, ठीक है, अब कहाँ पहुंच गए? सूचना मिली कि जनकपुर में मेला भर रहा है, चलोगे? जनकपुर में मेला भर रहा है, चलोगे क्या?
हर ला गई जनकपुर में मेला, हर ला गई जनकपुर में मेला, जनकपुर में मेला भर रहा है, हर ला गई जनकपुर में मेला, देखने हमरा मनवा करे ला, ला गई जनकपुर में मेला, देखने हमरा मनवा करे ला, लागे जनकपुर में मेला, लागे जनकपुर में मेला, देखने वामन मनवा करे विश्वामित्र जी आए हैं ऐसा पता लगा मिथिला पति को, जनक जी को, और सम्मान के लिए पहुंचे, उनको ठहराया गया मिथिला नगरी में। और अब मिथिला नगरी को देखने के लिए जल्दी जल्दी में करा देंगे विवाह फटाफट। मिथिला नगरी को देखने के लिए निकले राम लक्ष्मण, गुरु जी के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने को लिए निकल रहे हैं राम लखन जी। वाटिका गए, इधर सूचना हो गई किसकी, सीता जी के स्वयंवर की घोषणा हो गई थी।
यहाँ पर वाटिका में सीता जी गिरिराज पूरज गिरजा पूजन के लिए आई हुई हैं और राम जी भी वाटिका में लखन लाल के साथ कुछ वाटिका सीता जी गिरजा पूजन के लिए आई और एक जगह पर कहते हैं इधर से सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को उनकी आंखें थमी की थमी रे गई। उनकी आंखें थमी की थमी रे गई। राम देखे सिया और सिया राम को राम वाटिका में मिलान हुआ। इधर से सखियों को पता लगा सीता जी कहाँ रह गई, गिरजा पूजन के लिए आई थी। इधर सखी सीता जी को झकझोरती है, सीता जी राम को देखकर मगन हो गई, झकझोरती है। सखियों में चर्चा हो गई, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। अजब निराली उनकी शान है कोई देव मिल गया मन का मी।
हृदय से वचन नहीं निकलते राम राम। यहाँ पर श्रृंगार रस भर दिया थोड़ा। जब सिय सखी ने प्रेम बस जानी, नहीं सके कछु मन सकु जानी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जगत जननी जगदम्बा के, जगत जननी जगदम्बा के पास सीता जी जाती है और प्रार्थना करती है क्या। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गिर चंचला माता जय चनेता मुखला, नहीं तो हरि माते रसाना हमें प्रभाव होए नहीं, बहु बहु यो बराबर रानी विष्णु अनि सब दुआरा। मोर मनोरथ जान जानी गोरी अनुकूल सी यही हर चिन जाई कही मंजुल मंगल मो वाम अंग भर कन मंगल भवन चंद्र भगवान की बोली, जगत चंद्री मात की। यहाँ पर आशीर्वाद मिला, मन मांगा वर मिलेगा, मन जाहि राचो मिले ही सोवर सहज सुंदर सावर, करुणा निदान सुजान सील स्नेह जान धराव। ऐ बात ही गोरी अशीष सुनसिए सहित ही है हर्षित, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुनित मुदित मन मंदिर। हर्षित हो गई वहां से चली सीता जी, आई अपने राजमहल में और यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है। राम जी को लखन जी को मुनि के साथ बुलाया और जब धनुष की ओर बताया, शिव जी का धनुष बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, धनुष यज्ञ की घोषणा हुई। धनुष की तरफ देखा, सब कहते हैं वहां की जनकपुर की नारियां कहती है क्या,
यो धनुष बड़ो विकराल ओ रघुवर छोटो सो यो धनुष बड़ो विकराल रघुवर छोटो छोटा बड़ा खोटा होता है ये ध्यान रखना। छोटा बड़ा खोटा होता है, धनुष बड़ा विकराल और रघुवर छोटो सो। लेकिन ध्यान रखिए, छोटा बड़ा खोटा होता है, कभी किसी को छोटा मत समझिए। ताला बहुत छोटा होता है, तुम्हारे पूरे जीवन भर की पूंजी को समेट के रखता है। अंकुश बहुत छोटा होता है, इतने बड़े हाथी को अपने वश में करके रखता है। आ गया, इसलिए छोटा बड़ा छोटा छोटा मत समझो। एक बात बताइए, धन कीमती है या जीवन कीमती है? सही सही बताना, सोच के सही सही बताना। पूछूंगा कैसे, पूछूंगा फिर कैसे? जीवन कीमती है, सही बताओ। जीवन कीमती है कि धन? धन कीमती है कि जीवन? आप कह रहे हैं जीवन कीमती है, है ना? एक बात बताओ, गर्मियों में जब सोते हो तो घर के तो लगाते हो ताला और खुद खुले में सोते हो, सोते हो ना? खुद खुले में ताला किसको लगाते हो? धन को। तो अब धन कीमती हो या जीवन, बताओ? जब हम मोह में फंस जाते हैं तो धन कीमती हो जाता है, वो मोह कीमती हो जाता है। जीवन कीमती है अवश्य, लेकिन जब मोह में फंसते हैं तो हम जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। छोटा बड़ा खोटा होता है। इधर सारे राजा महाराओं ने जोर लगाया लेकिन धनुष नहीं टूटा। तो इधर जनक नंदिनी जी प्रार्थना कर रही हैं, सीता जी हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। और इधर राम जी आते हैं, गुरु जी की आज्ञा मिलती है, राम जी आते हैं। और राम जी आते ही पहले प्रणाम करते हैं, धनुष को झुकते हैं। और जीवन में ध्यान रखिए, जीवन में झुकना सीखिए, जीवन में झुकना सीखिए, नम्र बनिए, त्याग करना सीखिए। राम कथा त्याग करना सिखाती है। राम जी ने अपने भाइयों के लिए त्याग किया तो भाइयों ने भी राम जी के लिए त्याग किया। आप ध्यान रखिए, घर में एक व्यक्ति गड़बड़ करेगा तो सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। और एक व्यक्ति त्याग करना शुरू कर देगा तो सब त्याग करना शुरू कर देंगे। देख लेना, कोई चीज है और कहा कि ये कौन ले, पांच के बीच में रख दी कि ये चीज एक है और कौन ले, तो फिर ऐसा कहोगे तो लोग वहां कहेंगे चल तू ले ले, चल तू दे, तो दूसरा कहेगा नहीं तू ले ले, फिर तीसरा कहेगा तू ले ले ऐसे। और एक चीज है किसी ने कह दिया ये मेलू, तो फिर दूसरा भी कहेगा मेलू मेलू मेलू, सब में हो जाएगा। इसलिए त्याग करना सीखिए, आप त्याग करोगे तो जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नम्र बनिए जीवन में, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अपने अहंकार को दूर रखिए और झुकना सीखिए। राम जी झुकते हैं धनुष के सामने, प्रणाम करते हैं। जो ही झुके, जब आप झुकते हो तो सामने वाला आपको उठाने के लिए खुद अपने आप झुक जाता है, नीचा हो जाता है, वो भी नम्र बन जाता है। प्रणाम किया और इधर समय आया, इधर समय आया और गुरु ही प्रणाम मने ही मन कीना, अति लागव उठाई धनुरीना। भगवान ने धनुष को उठा लिया और उठाकर जो ही पतंचा चढ़ाने लगे कि वो धनुष बीच में से टूट गया। बोले रामचंद्र भगवान की।
और तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुष तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे जल्दी से कहा जल्दी करो वरमाला डाल दो नहीं तो क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम को यदि आप रोक देते हो तो उसमें कोई ना कोई रोग फिर आने लग जाती है। जल्दी से इधर वरमाला हुई और वरमाला होती है ना तो राम जी झुकते नहीं है। आप शादी विवाह में जाते हो ना तो आपने देखा होगा जब वरमाला का टाइम होता है ना तो दूल्हा चाहे पूरी जिंदगी जो चले लेकिन वरमाला के समय तो राम जी बिल्कुल अकड़ में झुकते नहीं वहां पर सीधे खड़े हैं। तो यहाँ पर सब सखियां चौंटती है राम जी को चेटुआ भरती है अजी झुक जाओ अजी थोड़ा झुक जाओ अजी थोड़ा झुक जाओ अरे झुक जइयो तन के रख लिए रे सीता छोटी। देखिए बहुत लंबा है राम कथा तो बहुत लंबी हम तो थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। यदि मौका मिला और कभी कृपा हुई भगवत कृपा हुई गुरु की कृपा हुई तो आपको आगे कभी ना कभी राम कथा भी हम कोशिश करेंगे सुनाने की। कभी ऐसी कृपा हुई तो निश्चित रूप से आपको राम कथा भी सुनने को मिलेगी। ऐसी राम कथा जिसके अंदर आप समझो कि कैसे वो चौपाइयां आई है उनका अर्थ कैसे बना है वो आपको सुनने को मिलेगी। ऐसी दिव्य राम कथा है करोड़ों वर्षों तक आप कहते रहो तो भी वो पूरी नहीं। नीलगिरी पर्वत पर काक भूषण जी राम कथा सुना रहे हैं। ऐसी कथा है कि कौवा भी कोयल जैसी मीठी वाणी बोलने लगता है। काक होई पिक बकौ मराला कौवा भी कोयल जैसी मीठी वाणी कहने लगता है। ऐसी राम कथा है। क्या कौवा मीठी भाषा बोल सकता है? बोल सकता है नहीं लेकिन रामचरितमानस में काक भूषण जी कौन है कोए के रूप में और वो राम कथा का वाचन कर रहे हैं गा रहे हैं ऐसी मीठी वाणी में वो राम कथा बोल रहे हैं। ये प्रभाव है भगवान की कृपा कि पक्षी भी मीठी वाणी बोलने लगे। ये प्रभाव है भागवत जी के अंदर सुखदेव जी सुख रूप में तोते के रूप में भगवान की कथा सुना रहे हैं पक्षी भी मीठी वाणी में कथा सुना रहे हैं। ये भगवत कृपा होती है। मजन फल पे खाऊं तत्काला मजन फल पे खाऊं तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। ऐसा फल है ये ऐसा मीठा फल बहुत मीठा फल सुनना चाहो सुनते रहो सुनते रहो कभी इच्छा भरती ही नहीं। ऐसी है राम का कह दिया। आपसे यदि भगवान की कृपा होगी और ये हमारे आयोजक समिति की कृपा होगी तो निश्चित आपको कभी न कभी राम कथा भी मिल सकती है निश्चित सुनने को मिल सकती है। इधर वरमाला हुई। अब वरमाला हुई तो यहाँ पर इशारा किया लखनलाल को कि आप ही कोई प्रयास करो। लखनलाल आकर राम जी के चरण छूने के लिए झुके तो राम जी ने सोचा पता नहीं क्यों झुक रहा है राम जी उठाने के लिए झुके। आप झुकते हो तो सामने वाला भी आपको उठाने के लिए झुकता है। राम जी झुके इधर से सीता जी को इशारा किया जल्दी से वरमाला डाल वरमाला डाल दी। विवाह हो गया। आगे एक घटना सुना दूं क्या आपको विवाह की सुना दूं क्या सुना दूं क्या अरे बोलो ना यूं करो या तो यूं करो सुना दूं। एक बार
हरियाणा की घटना बताई जाती है। एक बार वरमाला का कार्यक्रम हो रहा था। अब वरमाला का कार्यक्रम होता है तो खूब भीड़ रहती है, वे उस समय पे धक्का मुक्की भी हो जाती है। तो इधर जो ही दूल्हा वरमाला डालने लगा तो सब साथ रहते हैं, दुल्हन के सब दुल्हन के साथ रहते हैं। वरमाला डालने लगा, इतने में किसी मनचले ने लाइट बंद कर दी। धक्का मुक्की हुई, इधर वरमाला डाल दी, लाइट वापिस आई तो देखा कि दूल्हे ने सासू जी के गले में वरमाला डाल दिया। ये अखबार में आया था, हरियाणा की घटना कोई ऐसी हुई बताई, तो पे हमने भी उसको सुना था। अजब बात होती है। आगे जब धनुष टूटा तो उसकी आवाज सुनी और जब पता चला तो परशुराम जी आए, बड़ा क्रोध हुआ। यहाँ पर नाथ शंभु धनु भंजुनी आ रहा, होयो कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास है जिसने ऐसी कृपा की है। परशुराम जी यहाँ पर बोले कि यदि आप मेरे स्वामी हैं तो आप मुझको अपना सीना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा मेरे स्वामी हैं। सीना देखा, ओहो प्रभु जी की लात देखी, समझ गए ये तो मेरे स्वामी हैं। इधर धनुष दिया और कहा कि इस धनुष पर प्रत्यंचा मेरे स्वामी ही चढ़ा सकते हैं, कोई और नहीं चढ़ा सकता। आप यदि मेरे स्वामी हैं तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। जो ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो समझ गए कि ये स्वामी हैं, साक्षात नारायण ये हैं। और यहाँ पर अपनी ख्याति परशुराम जी ने राम जी को प्रदान कर दी। अपनी प्रसिद्धि जो थी ना, ख्याति, वो सब राम जी को अर्पित कर दी और भगवान का भजन करने के लिए वन गमन कर गए। इधर बारात आई, सूचना दी गई, चिट्ठी भेजी, कहाँ दशरथ जी के पास चिट्ठी पहुंची। दशरथ जी के पास चिट्ठी पढ़ रहे हैं दशरथ जी, सुनाओ क्या कैसी चिट्ठी है, सुनाओ। हो कुछ खाटी लगे, हो कुछ मीठी लगे, हो कुछ खाटी लगे, हो कुछ मीठी लगे, ओ बड़ी प्यारी, हाँ बड़ी प्यारी, ओ बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे रे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, कुछ खाटी लगे, कुछ मीठी लगे, बड़ी प्यारी, ओ बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे रे, बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे। सबसे बड़ी खुशी पिता को कब होती पता है? सबसे बड़ी खुशी पिता को कब होती है? जब बेटा ब्याह करे, सबसे बड़ी खुशी होती है माता पिता। दशरथ जी ने पढ़ी चिट्ठी, आहा मेरा बेटा इस लायक हो गया, क्या बात। बारात लेकर चल रहे हैं, सब मिलकर बारात लेकर चल रहे हैं। अब बारात कैसी, बारात कैसी, अजब बारात, अजब कैसे है बारात, कैसे है, दूल्हा साथ नहीं है ऐसी बारात है, बिना दूल्हे की बारात। ओ श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात आवत से निकला चली, आवत से निकला चली, किंतु दूल्हा नहीं है जनकपुर में आ गई जल्दी।
जल्दी से आ गया और चारों भाइयों का विवाह हो गया वहां। भरत जी को मिली मांडवी, लखनलाल को उर्मिला और शत्रुघ्न को सुत कीर्ति और राम जी सीता जी। विवाह हो गया, विवाह करके आए अवध में आए। जब तेरा ब्याही घर आए नीति नव मंगल मोदि बधाई। जब से राम जी आए हैं आनंद ही आनंद हो रहा है, लेकिन जब भी ये जीवन का नाम है कभी खुशी और कभी गम। जब खुशी ज्यादा होगी तो समझ लो गम अब आने वाला है और गम ज्यादा होगा समझ लो अब खुशी आने वाली है। वरदान मांग लिए केकई के द्वारा राज्याभिषेक के समय, दो वरदान भरतौटी का और 14 बरस राम वनवासी। और यहीं से राम कथा में करुण प्रभाव उत्पन्न हो गया। इधर राम जी माता पिता की आज्ञा लेकर वन को गमन करते हैं। वन में अनेकों ऋषि मुनियों के आश्रम से निकलकर गंगा पार कर निषाद राज से भेंट हुई और केवट के माध्यम से गंगा पार हुई। कथा बहुत लंबी है, चित्रकूट के घाट पर रुकाव हुआ। इधर से पीछे राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर धरे रघुवर विरह राव गए सुल्तान। दशरथ जी को भगवान को प्यारे हो गए। भरत जी लेने आए, चरण पादुका लेकर चले गए। आगे चले पंचवटी पर गए, अनेकों आश्रमों पर ऋषि मुनियों के पास होते हुए पंचवटी गए। कहते हैं अत्रि जी के आश्रम पर, वाल्मीकि जी के आश्रम पर, भरद्वाज जी के आश्रम पर, ऐसे आश्रम पर होते हुए भगवान सीता जी को संस्कार देते हुए पंचवटी पर पहुंचे और यहाँ सोने के मृग के चक्कर में सीता जी उनका राम जी के माध्यम से सुर्पणखा बीच में आई तो सुर्पणखा के नाक कान काटे और सीता जी का हरण रावण ने कर लिया। सीता जी गई तो एक बात बताओ, हरण किसका हुआ था, किसका हुआ था हरण, किसका हुआ था? अरे किसका हरण हुआ था? पंडित जी तुम ही जानो तुम्हारी राम कथा को, किसका हरण हुआ था? सीता जी का हरण नहीं हुआ था, छाया का हरण हुआ था। राम रामायण यदि पढ़ी हो तो यहाँ पर राम जी ने सीता जी से कहा कि अब मैं लीला करूंगा, तुम पावक मऊ करो निवासा, तुम अग्नि में निवास कीजिए। इसलिए फिर अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा इसीलिए हुई थी, अग्नि से वापस निकाला। क्या कहा? ओ मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म।
Thank you.
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राजा बलि ने कह दिया प्रभु से, हे प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पैर से राजा बलि के शरीर को नापा और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। इंद्र को स्वर्गलोक का राज दिया, राजा बलि को पाताल लोक का राज। हे बलि मैं तेरे दान से प्रसन्न हूं। देखिए दान की महिमा और महत्ता यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए क्या है, दान के माध्यम से राजा बलि भगवान को अपने द्वार का द्वारपाल तक बना लेंगे। दान के माध्यम से इतनी बड़ी महिमा है दान, ऐसा कहा गया। राजा बलि से कहा, मैं तुम्हारे दान से प्रसन्न हूँ बलि, तुमने तो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया और ऐसा भक्त कभी कभी ही इस दुनिया में मिलता है। अपने आप को समर्पित कर दिया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। प्रभु जो देता है वो मांगता नहीं, जो देता है वो मांगता नहीं। जब हमने दे ही दिया तब आपसे क्या मांगे। हम भगवान से यही कहते हैं, आप सब मिलकर भी भगवान से यही कामना करो कि हे प्रभु आप हमें देने वाला बनाइए, लेने वाला हमको मत बनाइए। आप हमें देने वाला बनाइए, कुछ देने वाला हमको। फिर भी बलि मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना ही चाहता हूं। तो राजा बलि बोले, प्रभु आपकी ये दिव्य छवि है ना, ये मेरी आंखों के सामने हमेशा बनी रहे, बस मैं यही वरदान आपसे चाहता हूं। अरे बलि तूने तो सब कुछ मांग लिया, दिव्य छवि सामने रहने के लिए मुझे तेरा सेवक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तू सेवक बनूंगा तभी तेरे आगे पीछे चारों तरफ रहूंगा, मैं तुझे हमेशा दिखता रहूं, इसलिए जा तुझे वरदान दिया। और भगवान ने यहाँ पर राजा बलि का चौकीदार बनना स्वीकार कर लिया। बोली वामन भगवान की, देखिए भगवान की दयालुता अपने भक्त के प्रति। इधर लक्ष्मी जी को पता लगा, काफी समय बीत गया अभी तक नहीं आए, क्या बात हुई। और हर नारी अपने पतिदेव को समझती है, ऐसा मैं होती ना तो देखते कैसे वो छल लेते, मैं सब समेट के ले आती, वो तो ऐसे हैं बिल्कुल, उनको तो अक्ल ही नहीं। हर नारी अपने पति के बारे में ऐसा सोचती, मैं होती तो सब ले आती, अरे ऐसे कैसे बंटवारा ऐसा कर देते, वो तो हम लेते वो तू दूसरे को देते, ऐसे कैसे बंटवारा हो गया, वो तो हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी। करते कि नहीं करते, करते हैं ना, अरे यूं करो ना, करते हैं ना। अरे मेरे नाथ कहाँ चले गए, ढूंढती ढूंढती लक्ष्मी जी पाताल लोक में पहुंची। यहाँ पता लगा कि मेरे नाथ पाताल लोक में है। लक्ष्मी पाताल लोक में वेश बदल कर आ गई, वेश बदल कर पाताल लोक में आ गई। और जहां पर लक्ष्मी आ जाए वहां आनंद ही आनंद होने लगे। पाताल लोक में राजा बलि ने देखा मेरे नगर में ऐसा कौन आ गया कि मेरे नगर में इतना उत्साह हो गया, ऐसा आनंद। लक्ष्मी की चमक छुपती नहीं, अंगूठा छाप कभी लक्ष्मी आ जाओ ना तो वह भी हम चोड़े और बाजार, लक्ष्मी की चमक छुपती नहीं। राजा बलि के यहाँ पर लक्ष्मी की चमक चमक चमक, चारों तरफ उत्साह। अरे मेरे राज्य में ऐसा कौन आया नया जिससे मेरे राज्य में इतना उत्साह हो गया। और जब ऐसा देखा, ओहो एक वृद्धा आई है, जाकर पूछा, बहना तुम कौन से गांव से आई हो। लक्ष्मी जी तो बहुत तेज, पता है अभी बताया ना, पतिदेव हमेशा सीधे नजर आते हैं, नारियां अंबे जो कह रहे हैं तेज होती है, समझ लो आप अपने आप ही कह रहे हैं तेज होती है।
लक्ष्मी जी बड़ी तेज जो ही कहा कि बहना तुम कौन से गांव से आई हो, तो बहना क्या बोलती है कि बहन कहा है भाई का फर्ज निभाओगे। तुरंत कह दिया बहन कहा है भाई का फर्ज निभाओगे। बली बोले वक्त आने पर जरूर निभाऊंगा, मांगो क्या मांगना चाहती है। बहन बोली वक्त आएगा तब मैं भी आपसे मांग लूंगी। रक्षाबंधन का दिन है और ये बहन भाई का त्योहार। राखी बांधी राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि कहते बहना मांग लो क्या मांगना चाहती हो। कुछ नहीं मांगना और चौकीदार की तरफ देख कर कि बस यदि तुम मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो ये चौकीदार आपका जो है ना ये मुझको दे दो। अरे बहना ये क्या चौकीदार मांगती है, इस चौकीदार में तू क्या रखा है, तू और कुछ मांग, धन दौलत मांग, जो कुछ मांगना चाहे मांग ले, सबको तुझे दे दूंगा, क्या रखा है इस चौकीदार में। लक्ष्मी जी बोली मेरा तो सब कुछ इस चौकीदार में, मेरा तो सब कुछ इस चौकीदार। ओ बहना बड़ी दूर से आई, ओ बहना बड़ी दूर से आई, ओ भैया दे दे चौकीदार। बहना बड़ी दूर से आई, ओ भैया दे दे चौकीदार। बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ भैया देते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर भगवान भगवान को यहाँ पर साथ लिया लक्ष्मी जी ने। अब लक्ष्मी जी कहती है कि भैया एक बात बताओ, ये आपके चौकीदार है ना, हाँ, तो आपके चौकीदार जो कुछ आप कहते हो वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो अब मैं जो कुछ कहूंगी घर पे वो सब कुछ ये करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी तो पहले ही होती ना आदत, घर में नारी की आदत होती है कि पुरुष हमेशा हमारे साथ, मैं नहीं कहूंगा मेरी मजबूरी है, यहाँ पर लक्ष्मी जी गई और सकुशल भगवान के साथ श्री नारायण और लक्ष्मी साथ साथ वहां पर। हे परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं ये हमने आपको भगवान वामन का चरित्र आपको बतलाया कि किस प्रकार राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ देकर और उनसे वरदान आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे कथा आती है जिस प्रकार वामन अवतार की कथा है वैसे ही मत्स्य अवतार की कथा आती है। ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य
है ग्रीवस चेष्टितम् ददार सफरी रूपम् भगवान हरिश्वर। कहते हैं एक बार प्लाई चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ब्रह्मा जी के मुख से वेद पानी के अंदर गिर गए और हैग्रीव नाम का राक्षस उस वेदों उन वेदों का अपहरण करके ले गया। भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया और वेदों को छुड़ाया और वापस वेदों की स्थापना यहाँ पर की। ये संक्षिप्त रूप में आपको हमने ये कथा मत्स्य अवतार की बतलाई। आगे कथा वेवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्न को स्थित की प्राप्ति। आपको तो कथा लंबी चलाए पर देखो समय तो फिर आप क्योंकि अभी राम कथा है। राम कथा ही अब आपको 2-2.5 घंटे ले जाएगी। समय की महिमा और वेवस्वत मनु के 10 पुत्रों में 5 के वंश का वर्णन। सरयाती सरयाती के वंश में सुकन्या और चौन ऋषि के आश्रम पर सुकन्या वहां पर चौन ऋषि ध्यान में मगन। सुकन्या उन्होंने क्या किया? चौन ऋषि ध्यान में मगन थे उनके ऊपर धूली की परत जम गई थी उसमें से आंखें टिमटिमा रही थी। सुकन्या ने क्या किया? सरयाती की कन्या ने एक तिनका लिया और कौतुक करने के हिसाब से आंख में डाल दिया। आंख से अश्रु आंख से रुधिर की धारा बहने लगी। डर गई। इधर सरयाती को जब पता चला आया पता चला अरे चौंदी की आंखों में इन्होंने तिनका डाल दिया। बहुत बड़ी गलती की। क्षमा मांगी मेरी कन्या नादान है इसे क्षमा कर दीजिए। चौन ऋषि बोले तुम्हारी कन्या की उम्र क्या है? विवाह लायक है तो आप अपनी कन्या को मुझे सौंप दीजिए। मेरी सेवा कौन करेगा? वृद्ध चौन ऋषि उनको अपनी कन्या क्रोध के कि क्रोध यदि इनको आ गया तो सब कुछ हमारा नष्ट हो जाएगा ऐसा सोचकर सरयाती राजा ने अपनी कन्या को चौन ऋषि को सौंप दिया। वो कन्या सरयाती सरयाती की कन्या सुकन्या चौन ऋषि की सेवा करती है। वृद्ध चौन ऋषि एक बार देवताओं के वेद अश्विनी कुमार उनका आना हुआ अपने मन की बात बताई उस कन्या ने कि मैं तरुणी हूँ मेरे पास